बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर फाइव आए हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, तो काफ़ी प्यारी प्यारी जगह तो हो जाई है, लेकिन आज इस्लामाबाद फिर फाइव पर आप लोगों को दायरा कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा और इस दौरान जितनी प्यारी जगह आएंगी आपको भी दिखाते जाएंगे। अभी हम मरगला हिल्स ट्रेल फाइव के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे थे, तो यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ से ऊपर खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि लोग अपने साथ ले जाकर फिर खाते हैं, फिर वो कचरा वहीं पे छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ से ऊपर अलाउ नहीं है। तो हम खाने की थोड़ी चीज़ें लेके आए थे, तो वो हम अभी यहाँ खाएँगे, फिर यहाँ से ऊपर का रास्ता तय करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता तय करके हम अभी बीच रास्ते में पहुंचे हैं। काफ़ी थके भी थे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। अभी हम अपने दोस्तों से पूछते हैं उनका क्या हाल है। ये हमारे दोस्त कमर हमारे साथ मौजूद हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। तो काफ़ी हम लोग चले हैं, हमारे दोस्त सभी जा रहे थे कि रेस्ट करें यहाँ पर, और ये जगह भी इस तरह की है कि आप से अपने लिए थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत साफ सुथरा पानी आ रहा है यहाँ पे, और बहुत ठंडी जगह है, गर्मियों के लिए तो बहुत पुरसकून जगह ही है। तो अभी तक तो हमारा जो सफ़र है बहुत शानदार जा रहा है। एक घंटे की हाइकिंग करके अभी हम बीच रास्ते में पहुंचे हैं। हमारे दोस्त काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि हम काफ़ी हमारी रफ्तार तेज़ थी, तो यहाँ के हमने अपना दूसरा रेस्ट किया है। अब इनसे पूछते हैं, काफ़ी थक गए हैं शायद, लगता है ऐसा। जी सर, क्या ख्याल है हाइकिंग के बारे में? यार ख्याल तो अच्छा है, बात यह है कि थकावट भी बहुत हो चुकी है, और साथ में एक मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे दोस्त उतने फिर कभी मिले या न मिले, फिर ये मौका मिले या न मिले, लेकिन मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। कमल भाई, सुबह हम लोग जब आए थे काफ़ी ठंड थी, तो इसलिए हम लोगों ने जो गेटअप किया हुआ है, ये मतलब वो सर्दी वाला है, स्वेटर हम लोगों ने पहना हुआ है, कोट पहना है, लेकिन अभी जो यहाँ पर धूप निकली है तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो अभी हम पानी पी रहे हैं, बस इसी से गुजारे हैं हमारा, और सफ़र अच्छा जा रहा है, और शिना सॉन्ग हम लोगों ने लगाया हुआ है बैकग्राउंड में, बस इससे मज़ा आ रहा है हमारे यहाँ। इंजॉय कर भाई, बस कमर भाई वाला रिपाज बस इंजॉय, मज़ा आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, मौसम ठंड गर्मी बहुत है भाई यार, क्या करें। तो हमारी हाइकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, यहाँ से हमने जाना है इस पहाड़ के ऊपर, ये यहाँ चोटी तक पहुँचना है। अभी यहाँ से आगे तो माउंटेन क्लाइंब करना है, हाइकिंग तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अगर काफ़ी चढ़ाई है ऊपर तक, अगर पहुँच सके तो जाएंगे ऊपर टॉप तक, नहीं हुआ तो रास्ते से व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आपको।
अभी टॉप तक पहुंचने के लिए काफ़ी रास्ता है अभी, तो बीच रास्ते में पहुंचे यहाँ से एक खूबसूरत व्यू। जी सोहेल कमर भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत खतरनाक जगह है यहाँ पे। जाना है रूम, दो दिन तक सोना है, 24 घंटे पूरे करना। यहाँ से अगर गलती से बंदा फिसल जाए डायरेक्ट नीचे उधर पहुँच जाएगा, बहुत खतरनाक जगह है यहाँ, तो एहतियात से चलना है बस। ये रास्ता जितना मुश्किल है यकीनन ऊपर जाके हमारी जो मंजिल है वो उतनी ही प्यारी होगी। ये बस आखिरी मुश्किल तरीन रास्ता, ये जैसे ही क्रॉस करेंगे हम ऊपर पहुंच भी जाएंगे, हमारी हाइक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस व्यू के लिए हमने 2 घंटे का रास्ता तय किया था, तो वो व्यू आपके सामने। काफ़ी थके हुए भी हैं लेकिन यहाँ आके ये व्यू देख के हमारी थकावट भी ख़त्म हो रही है। हमारी टीम के मेंबर्स ये भी शायद काफ़ी थक गए हैं। तो आज का हमारा सफ़र यहाँ तक था, काफ़ी इंजॉय किया हमने उस मौसम के साथ, इस हाइकिंग का। काफ़ी नई चीज़ें नई जगह करते हैं, आपको भी पसंद आएगी। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, आप लोग भी आइएगा।